यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 8 को हमने यहाँ पर सेव करा 9 नंबर के नाम से। और देखो हमने यहाँ पर क्या करा कि एक फंक्शन बनाकर तैयार करा सम नाम से, और आपने इसके अंदर दो पैरामीटर लिए एक्स कॉमा वाई, और हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट सम इक्वल टू एक्स प्लस बाय। हमने क्या करा, एक और फंक्शन बनाकर तैयार करा सब नाम से, इसमें भी हमने दो पैरामीटर लिए एक्स कॉमा बाय, और फिर हमने यहाँ पर प्रिंट लिखा सब इक्वल टू एक्स माइनस बाय। और अब हमने क्या करा कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल को रन करा, तो सीधी सी बात है कि यार अभी तो कुछ आउटपुट आकर डिस्प्ले होने वाला नहीं है क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। ठीक है, हमने फंक्शन को कॉल करा सम, और यहाँ पर लिखा हमने 10,5, तो हमने एक और फंक्शन को कॉल करा सब, आपने 10,7। तो अभी इस कंडीशन में कि जो दोनों का एडिशन है, तो दोनों का एडिशन यहाँ पर क्या होगा 15, और दोनों का सब्सट्रैक्शन यहाँ पर 3 आकर डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल को हम यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर 15 और सब्सट्रैक्शन 3 आकर बिल्कुल डिस्प्ले हो गया है। तभी इस एग्जाम्पल को नोट करिएगा, और कंसेप्ट यहाँ पर ये समझाना था कि एक फाइल के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर आप कितने भी फंक्शन बनाकर तैयार कर सकते हैं। यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 9 को हमने यहाँ पर सेव करा 10 नंबर के नाम से। अच्छा देखो हमने क्या करा कि एक फंक्शन बनाकर तैयार करा क्यूब नाम से, और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर लिया एक्स। अच्छा जो क्यूब नाम का फंक्शन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रिंट करवा रहा है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और हमने यहाँ पर कॉल करा क्यूब नाम के फंक्शन को। जब आपने 5 पास करा तो 5 का क्यूब आकर डिस्प्ले हो जाएगा, और जब आपने क्यूब नाम के फंक्शन में 10 पास करा तो यहाँ पर 10 का क्यूब आकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो 5 का क्यूब 125 और 10 का क्यूब यहाँ पर 1000 आकर डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 को हमने यहाँ पर रन किया तो बिल्कुल यहाँ पर आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया है। अच्छा इस एग्जाम्पल को सभी नोट करिएगा, फिर कंसेप्ट को हम आगे समझाते हैं। तो यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 10 को हमने सेव करा यहाँ पर 11 नंबर के नाम से, और हमने क्या करा कि यहाँ पर कुछ ऐसा प्रिंट करवा दिया क्यूब को, तो ऐसा लिखा तो यहाँ पर 5 जो है इसके पास पास हुआ, तो यहाँ पर 1125 आकर डिस्प्ले हो गया। लेकिन फिर क्यूब क्या डिस्प्ले करवाएगा, कुछ भी नहीं, नन। तो अभी इस कंडीशन पर एग्जाम्पल को यदि हम यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर 125 और नन आउटपुट आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। एग्जाम्पल को नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखो हम ये चाहते हैं कि क्यूब की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर आकर रिटर्न होना चाहिए, और उस पर हमें मल्टीप्लाई करवाना है सपोज किसी भी नंबर का। कोई हमारे पास इक्वेशन है, कोई ऑपरेशन है कि किसी भी नंबर का क्यूब उस पर मल्टीप्लाई होना चाहिए 5 का। तो अभी इस कंडीशन पर यदि हम एग्जाम्पल को यहाँ पर रन करते हैं तो नन में तो मल्टीप्लाई 5 का हो नहीं सकता, तो इस कंडीशन पर यहाँ पर एरर मैसेज लाकर क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, बिल्कुल ध्यान से एरर मैसेज को नोट करिएगा तो अगला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो पॉइंट अब ये आता है यहाँ पर कि यदि हमें ऐसा करना है कि कोई भी नंबर है उसका क्यूब है और उस पर हमें कुछ
इक्वेशन है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई करना है या फिर किसी भी नंबर का 3 का करना है। तो देखो ऐसे सपोज हमारे पास क्यूब निकालना है 10 का और उस पर मल्टीप्लाई करना है हमें 4 का, तो हम कैसे करें? क्योंकि यहाँ पर तो एरर मैसेज लाकर डिस्प्ले करवा रहा है। तो इससे कंडीशन पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे फंक्शन से रिटर्न करवाना पड़ेगा वैल्यू। तो हमने रिटर्न कितना करवा दिया, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो अभी इससे कंडीशन में देखो यहाँ से हमने कितना पास करा, 5। 5 जो हमने जब यहाँ से पास करा तो 5 क्या होगा कि वो एक्स के पास जाकर स्टोर हो जाएगा। पॉइंट आता है समझ में? देखो हमने क्या करा कि यहाँ से कितना पास करा, 5। तो 5 किसके पास जाएगा, एक्स के पास। और यहाँ पर क्या होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। तो वैल्यू रिटर्न वहीं पर होती है जहाँ पर हमने उस फंक्शन को कॉल करा है। तो यहाँ पर 125 आकर क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और 125 पर मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो यहाँ पर 375 आउटपुट आकर क्या होना चाहिए, बिल्कुल डिस्प्ले होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं सेम नीचे 10 की, तो 10 की वैल्यू इसके पास जाएगी और यहाँ पर कितना होगा, जब 10 है तो 10 का क्यूब कितना होगा, 1000। 1000 में मल्टीप्लाई कितने होगा, 4 का, तो यहाँ पर 4000 आकर बिल्कुल डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि आप चाहते हो कि आपका फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करे, तो आप इस तरीके से क्या करवा सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। जहाँ पर हम उसे कॉल करेंगे वहीं पर वैल्यू जाकर क्या होगी, रिटर्न होने वाली है। तो एग्जाम्पल को यदि हम यहाँ पर रन करके चेक करते हैं, तो अभी बिल्कुल यहाँ पर रन होगा और इस कंडीशन पर जो हमने आउटपुट बोला है बिल्कुल आकर डिस्प्ले हो गया है। तो कंसेप्ट सभी को क्लियर होना चाहिए। फंक्शन विथ पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू का एग्जाम्पल है, पूरा क्लियर है? विथ पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर भी है और यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, रिटर्न हो रही। तो फंक्शन विथ पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू का ये एग्जाम्पल है। जिन्होंने भी सी पढ़ा हुआ है तो उनको पता होगा ये सारा कुछ कंसेप्ट। एग्जाम्पल ध्यान से नोट करिए।